हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के कंपाइलेशन के टॉपिक वाइज जो वीडियो है यहां पे मैं अपलोड कर रहा हूं। तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है वोकैब सेक्शन से। 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछे जाते हैं प्री के पेपर में, हर एक एसएससी सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, तो इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रीवियस ईयर जो है वो बार बार रिपीटेड किया जाता है, इसीलिए अभी जो है वो सीरियल 2021 का पेपर जो हुआ है कुछ दिन पहले इंसफर की आई है, तो उसी से कलेक्ट करके मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है। ओके, तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, एडिटोरियल वोकैब्सोन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं एडिटोरियल वोकैब्सोन ये जो, और सर्च करने के बाद वहां से आप इसको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप पीडीएफ कर सकते हैं। तो अब तक आप इस चैनल पर नए हैं मेरे इस चैनल पे इंग्लिश वेब एकेडमी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एसएससी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और बहुत सारे इंग्लिश के कंटेंट्स मैं अपलोड करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और फर्स्ट ईडियम से, और आपको यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना होगा। फर्स्ट है इन द सेम ब्रीथ, ये काफी इंपॉर्टेंट एडियम है, और इसका मतलब होता है आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो सबसे पहले आपको एडियम का मतलब पता होना चाहिए। जब तक आपको इसका मीनिंग पता नहीं होगा आप ऑप्शन का करेक्ट आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। डायरेक्टली यहाँ पे हम देखते हैं इन द सेम ब्रीथ, इट मीन्स कि वैसी दो चीजें जो कि एक ही समय पर बोली जाए लेकिन एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि एक निगेटिव पॉइंट हो एक पॉजिटिव पॉइंट हो लेकिन एक ही समय पे बोली जाए, तो उसी को कहा जाता है। इट मीन्स कि ऑप्शन 3 देखें यहाँ पे, से 2 contrary थिंग्स एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पे 2 contrary, contrary का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि जो एक दूसरे के विपरीत बातें हो, एक जैसे कि निगेटिव बात हो गया तो एक पॉजिटिव हो गया, और एक ही समय पे बोली जा रही हो, तो उसी को कहते हैं इन द सेम ब्रीथ। ओके, देन नेक्स्ट एडियम इज बी हार्ड अप, यह भी काफी इंपॉर्टेंट एडियम है, या पिछले साल में भी ये वर्ड जो है वो पूछा गया है। तो बी हार्ड अप, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए तभी आप इसके जो है वो करेक्ट आंसर ढूंढ पाएंगे। इसका मतलब होता है जिसके पास काफी कम पैसा होता है उसे, उसके लिए हम इडियम का यूज करते हैं बी हार्ड अप, काफी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, जिसके पास कम पैसा होता है उसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन 2 को देखते हैं, हैव वेरी लिटिल मनी, लिटिल यानी कि थोड़ा, मनी यानी कि पैसा, इट मीन्स कि हैव जो बहुत कम पैसे रखता हो उसके लिए हम बी हार्ड अप फ्रेज का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेज है केक वॉक, तो एक इससे रिलेटेड और भी इडियम आता है, तो यहाँ पे है एक केक वॉक, तो केक वॉक इसका मतलब होता है काफी आसान, मतलब कि वैसा काम जो कि काफी आसान हो, यह स्टेनो के पेपर में भी पूछा हुआ है, स्टेनो 2019 के पेपर में ये इडियम पूछा गया था, आसान काम हो, जो बहुत ज्यादा आसान काम हो उसके लिए हम केक वॉक का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, टेस्टी नहीं होगा, स्वीट नहीं होगा, इंजॉयबल नहीं होगा, क्या होगा, इजी, समथिंग वेरी इजी, जो कि बहुत, आपको कोई ऐसा कार्य जो कि बहुत आसान हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक केक वॉक, काफी इंपॉर्टेंट है यह अभी। नेक्स्ट इडियम है जो कि एक सेंटेंस में दिया गया है, तो चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल, यहाँ पे इडियम है जो अंडरलाइन किया गया है और इसे बताना है, और 4 ऑप्शन आते हैं, रैंक एंड फाइल इसका मतलब क्या होता है, तो रैंक एंड फाइल इट मींस कि रैंक एंड फाइल या सीपीओ के पेपर में भी पूछा गया था, इसका मतलब सामान्य व्यक्ति, रैंक एंड फाइल इसका मतलब क्या हुआ आपको, सामान्य व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो कि नॉर्मल हो, सामान्य व्यक्ति, उसके लिए हम यूज करते हैं रैंक एंड फाइल। आप ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, 4 ऑप्शंस है, ऑफिसर्स होगा नहीं, ओनली द टॉप रैंकर्स तो होगा नहीं, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स होगा नहीं, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है आपको सामान्य, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है सामान्य, और ऑर्डिनरी का एक एंटोनिम आता है वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका मतलब होता है असामान्य, तो इसे इसे वोकैबुलरी के सेक्शन से भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी पीपल होता है रैंक एंड फाइल। नेक्स्ट है टेक इनटू अकाउंट, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस में दिया गया है, सेंटेंस है इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, तो टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कोई चीज जो है अपने ध्यान में लाना, ध्यान में लाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो टेक इनटू अकाउंट क्या हुआ आपको, कंसीडर,
कंसीडर ही एक ऐसा वर्ड है जो इसके लिए यूज किया जा सकता है। कंट्रोल यानी कि किसी पे तो कंट्रोल पाना, लीव यानी कि छोड़ना, सिलेक्ट यानी कि चूज करना। ओके तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कंसीडर। ध्यान रखेंगे टेक इनटू अकाउंट, ये बहुत बार आपको एडिटोरियल्स वगैरह या फिर रीडिंग पैसेज वगैरह में भी ये फ्रेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट इडियम है, ये भी सेंटेंस में दिया गया है, आई एम वर्किंग ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक आई हैव बीटन अप मोर देन आई कैन चीव। ओके तो यहाँ से आपको अंडरलाइन मैंने कर दिया है इडियम, और इसको चूज करके आप करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो बीटन अप मोर देन आई कैन चीव मतलब कि इसका मतलब होता है कि उतनी ज्यादा जिम्मेदारी लेना जिसको कि आप हैंडल नहीं कर पा सकते कर सकते हैं, तो उतना ज्यादा काम की जिम्मेदारी ले लेना। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, यानी कि मोर देन यानी कि अधिक, किससे वन कैन हैंडल, एक व्यक्ति जितने कामों को हैंडल कर सकता है उसी से अधिक कामों की जिम्मेदारी ले लेता है, उसके लिए हम यूज करते हैं बीटेन ऑफ मोर देन वन देन चीव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मीडियम की तरफ, नेक्स्ट है टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है, और आपके पास ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं, मतलब कि एक सामान्य सामान्य या फिर एक ही यहाँ पे एक ही अवस्था में दिखाई देना या फिर प्रकट पड़ना, एक ही अवस्था के लिए हम यूज करते हैं, एक ही अवस्था में दिखाई या फिर प्रकट होने के लिए आपको यूज किया जाता है टू टेक आफ्टर। अब तो मैंने यहाँ पे मीनिंग बता दिया, ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं, मॉक समवन नहीं होगा, चेंज यानी पीछा करना होता है ये भी नहीं होगा, चेंज साइड्स फ्रॉम ओपन साइड चेंज करना नहीं होगा, यहाँ पे प्रकट होने का बात किया जा रहा है और आपको अपियरेंस यहाँ पे दिख रहा है वर्ड में। ओके टू बी सिमिलर इन अपियरेंस यानी कि देखने में बिल्कुल एक जैसा हो, टू टेक आफ्टर उसे हम कहते हैं, इसे भी आप नोट कर लेंगे ध्यान में रखें। नेक्स्ट है फाउल प्ले, जो कि इंपॉर्टेंट एडियम है, आपके सी एच एस एल के पेपर जो होने वाला है मई में, आपका सी एच एस एल का पेपर होने वाला है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इसको जरूर आप प्रैक्टिस करते जाइए। फॉल प्ले इट मीन्स की इसका मतलब होता है वैसा खेल या फिर वैसा कोई गेम जिसमें कि आपको बेईमानी हो रही हो, बेईमानी वाला खेल इसे हम कह सकते हैं। ओके तो या फिर किसी का ऐसा बिहेवियर हो जो बेईमानी टाइप का हो, डिसऑनेस्ट, बहुत सारे वर्ड्स इस पर ध्यान रख सकते हैं, डिसऑनेस्ट या फिर बायस कह सकते हैं हम इसे, बायस कह सकते हैं या फिर प्रिजडिस कह सकते हैं, बहुत सारे इसके लिए वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें, अनफेयर, फेयर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा साधा है सही, अनफेयर का मतलब होता है गलत ढंग से यानी कि बेईमानी रूप से, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, वैसा बिहेवियर जो कि डिसऑनेस्ट और बेईमानी टाइप का हो, जैसे कोई गेम हो रहा हो, कोई खेल ही हो रहा हो और इसमें क्या किया कि जो कोई है इसमें किसी को सपोर्ट कर दिया अलग अनफेयर वे में, तो उस तरीके के लिए हम इसको यूज करते हैं फॉल प्ले। नेक्स्ट है ऑन द वेन, और आपके चार ऑप्शन है और इसमें से आपको चूज करना है सेलेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ऑन द वेन तो इसका मतलब होता है आपको इनकार करना, इनकार के लिए यूज कर सकते हैं हम, या फिर रिजेक्ट वर्ड आता है उसके लिए यूज कर सकते हैं, डिक्लाइन के लिए यूज कर सकते हैं, इन सब का मतलब होता है आपको खत्म करना, इनकार करना, कम करना के सेंस में ऑन द वे। ओके अब ऑप्शन देखते हैं, ऑन द राइज या तो बढ़ने के लिए यूज किया जा रहा है ना, और हमें यहाँ पे निगेटिव पॉइंट ढूंढना है, ऑन द वे यानी कि ये रास्ते में होता है इसका भी मतलब नहीं होगा, ऑन द टॉप यानी कि अभी ऊंचाई पे, यह भी ऊंचाई यानी कि पॉजिटिव में यहाँ पे लिया जा रहा है, यह भी नहीं होगा, ऑन द डिक्लाइन, अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर फोर, ऑन डिक्लाइन यानी कमी के लिए यूज किया जाता है, नीचे की अवस्था के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फोर जो होगा करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सॉरी ए लॉन्ग शॉट, इसको बताना है आपको ए लॉन्ग शॉट, देखने में तो यहाँ पे लॉन्ग दिख रहा है लेकिन इसका मतलब होता है छोटा सा उम्मीद या फिर मौका, किसी को मिलता है सफल होने के लिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं, आपको सफल होने के लिए एक छोटा सा चांस मिलता है उसके कहते हैं ए लॉन्ग शॉट। तो ऑप्शंस से ढूंढ सकते हैं, एक करेक्ट प्रिडिक्शन तो नहीं होगा, अनुमान लगाने के लिए वेरी प्रॉफिटेबल फायदेमंद भी नहीं होगा,
परफेक्ट एम, यह भी नहीं होगा। एक छोटा सा मौका यानी कि लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, सफल होने के लिए एक छोटा सा ही मौका काफी होता है किसी भी के लिए, तो यही होता है ए लॉन्ग शॉट। इसका यूज किया जाता है मोटिवेशनल कोट में, आप इसे देखे होंगे ए लॉन्ग शॉट का यूज किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। काफी अच्छा एक वर्ड मिला आपको, फ्रेज मिला ए लॉन्ग शॉट, छोटा सा चांस आपको मिला, आप उसको भुना के उसको पा जाए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट एडियम की तरफ, लाई आउट। यानी कि लाई आउट का मतलब होता है, ये सीधा सा मतलब इसका होता है अनदेखा करना, अनदेखा करना यानी कि नोटिस नहीं करना, किसी को देखना लेकिन उसे ऐसा ना लगने देना कि आप उसे देख पा रहे हो या फिर उसे नोटिस कर पा रहे हो। ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, ट्राई नॉट टू बी नोटिस, यानी कोशिश करना कि किसी चीज को आप देख नहीं रहे हो, उसे नोटिस नहीं कर रहे हो। ऑप्शन वन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्री, यानी कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, इसका मतलब होता है ये जो कहा जाता है, आप लोग हिंदी में जरूर सुने होंगे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जब कोई ज्यादा खर्च करता है तो उसे ये मुहावरा दे करके समझाया जाता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। वही वही मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, इसका मतलब होता है कि पैसे जो होता है वो काफी मेहनत से अर्न किया गया होता है और काफी लिमिटेड होता है, यानी कि सीमित होता है। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखें, मनी इज हार्ड अर्न, कमाने में बहुत ज्यादा आपको मेहनत लगता है और यह लिमिटेड भी आपको मिलता है, तो पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, इसका उपयोग अच्छे तरीके से करना चाहिए और अच्छे कामों में। अब नेक्स्ट है स्टोन्स थ्रो, ये एडियम जो है वो आपको स्टेनो के पेपर में भी पूछा गया है, सीएचएसएल के पेपर में भी पूछा गया है और आपकी फिर सीजीएल के भी पेपर में पूछा गया है। स्टोन थ्रो का मतलब होता है एक छोटी सी दूरी, छोटी दूरी के लिए यूज करते हैं हम स्टोन थ्रो। ओके, तो हर्ट स्लाइटली, लार्ज हर्डल, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये सब नहीं होंगे। शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा या फिर छोटा सा, डिस्टेंस का मतलब दूरी, तो छोटी दूरी के लिए यूज करेंगे। करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर था शॉर्ट डिस्टेंस, स्टोन थ्रो। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स, ये बहुत बार पूछा गया है, ये स्टेनो पेपर हो या फिर सीजीएल हो, सीएचएसएल, सीपीओ, सब में ये पूछा गया है। इसका मतलब होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है अप्रत्याशित विजेता, यानी कि जैसे कोई रेस हो रही हो, एक रेस हो रही हो, इसमें आपने उम्मीद किया है कि ये ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, आप उम्मीद कर रहे हो कि सी तो कैसे भी करके यह रेस नहीं जीत पाएगा, जीतेंगे तो ए या फिर बी, और अंत में पता चलता है कि सी जो है वो आपको विनर हो गया, तो उसे कहते हैं डार्क कि अप्रत्याशित विजेता, अचानक से जो जीत जाता है, एंड अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसके बारे में उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है होल्ड द की, ये भी अच्छा फ्रेज है। होल्ड द की, होल्ड का मतलब क्या होता है, होल्ड से ही इसका अर्थ निकाल सकते हैं, होल्ड का मतलब पकड़ना होता है। होल्ड द की यानी कि किसी पे अपनी अथॉरिटी जो है वो जमाना, किसी पे अपना काबू पाना, काबू पाना, उसके लिए हम यूज करते हैं आपको होल्ड द की। अब काबू पाने के लिए कौन सा इसमें जो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, तो टू हैव, यहाँ पे देखते ऑप्शन नंबर फोर, टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी पे कंट्रोल पाना, कंट्रोल का मतलब होता है उसको अपने काबू में ले लेना इस चीजों को, तो उसके लिए यूज करते हैं होल्ड द की। होल्ड का मतलब पकड़ना, तो इससे रिलेट करके इसे जो है आप याद रख सकते हैं। ये एक ऐसा एडियम है जो आप एसएससी के हर पेपर में और हर बार देखने को मिलेगा। 2019 का पेपर देख ले, 20 का पेपर देख ले, 21 का जो पेपर हुआ आपकी बार फिर आया, या फिर उससे पहले 18 का पेपर देख ले, सब पेपरों में ये जो एडियम पूछा जाता है किसी न किसी पेपर। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि कोई भी ऐसा परिश्रम ना हो, कोई भी ऐसा कोई चीज पाने के लिए कोई भी रास्ते से ना गुजरे, या फिर कैसे कोई ऐसा काम ना हो जिसको कि आप करने से रह गए हो कोई सफलता पाने के लिए, तो उसे कहा जाता है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। अब यहाँ से ऑप्शन ढूंढे, तो ऑप्शन थर्ड देखे, मेक एवरी पॉसिबल इफर्ट, मेड एवरी पॉसिबल इफर्ट, यानी कि आप जितना कर सकते थे उतना आपने किया किसी एम को पाने के लिए। ये आपका एम है,
आप इसके लिए एक कोशिश किए, दो कोशिश किए, तीन, तो जितना हो सकता था आप इसको पाने के लिए कोशिश किए, उसी के लिए यूज किया जाता है आपको। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, इट मींस कि मेड एवरी पॉसिबल रिपोर्ट। ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए टाइट कॉर्नर। ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है आपको वैसी स्थिति जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ओके, यानी कि परेशानी वाली, परेशानी पैदा करने वाली स्थिति, परेशानी करने वाली स्थिति, ओके, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा। इट मीन्स कि ए टाइट कॉर्नर, जैसे कहा जाता है ना कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है टाइट कॉर्नर। तो ए डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, सिचुएशन का मतलब स्थिति, एक कठिन स्थिति के लिए यूज करते हैं हम आपको ए टाइट कॉर्नर। तो यह भी इजी है और ये भी बहुत बार पूछा हुआ इडियम है। नेक्स्ट जो है वो निप इन द बड, ये नया इडियम है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब होता है निप इन द बड, यानी कि तुरंत से मिट्टी में मिला देना, इसका मतलब होता है हिंदी में मुहावरे के रूप में यूज किया जाता है मिट्टी में मिला देना। अब यहाँ से ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, मिट्टी में मिला देना यानी कि उसे बर्बाद कर देना होता है, टू पट द बर्ड्स या नहीं होगा, टू डिस्ट्रॉय लेट, यहाँ पे देखिए टू डिस्ट्रॉय लेट, टू डिस्ट्रॉय अर्ली, अब यहाँ पे आप फंस गए, नॉट टू डिस्ट्रॉय ये तो होगा नहीं, डिस्ट्रॉय तो होगा यानी कि मिट्टी में मिला देना, उसे बर्बाद करना तो होगा, लेकिन कब, जल्दी, जल्दी से किसी को मिट्टी में मिला देना उसके लिए यूज करते हैं। अभी यहाँ पे अर्ली वाला जो होगा ऑप्शन करेक्ट होगा, टू डिस्ट्रॉय अर्ली, नॉट दी टू डिस्ट्रॉय लेट, तो ऑप्शन फोर जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसे जरूर आप ध्यान रखेंगे, नोटिस करेंगे, यहाँ पे लेट नहीं होगा, अर्ली होगा, टू डिस्ट्रॉय अर्ली। ये idiom जो है वो cool as a cucumber, ये बहुत बार पूछा गया है cool, तो यहाँ से आप इसका cool का मतलब क्या होता है, शांत के लिए यूज किया जाता है cool, तो यही से आप इसका जो है वो करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। cool as a cucumber यानी कि शांत व्यक्ति, शांतचित व्यक्ति हो उसे, उसके लिए हम यूज करते हैं आपको cool as a cucumber। इरिटेटेड नहीं होगा, यहाँ शांत का मीनिंग नहीं आ रहा है, हैप्पी एंड एक्साइटेड भी नहीं होगा, नर्वस भी नहीं होगा, तो क्या होगा, काम, काम का मतलब क्या होता है, इसे आप साइनोनिम के रूप में भी याद रखेंगे, साइनोनिम में पूछा जाता है, काम का मतलब होता है यानी कि वोकैबुलरी के सेक्शन के लिए शांत होना, ओके, तो ये अच्छा वर्ड है, काम एंड कंपोज्ड यानी बंधा हुआ या फिर शांत होना, कूल एज ए कुकुम्बर, ये बहुत बार पूछा हुआ मीडियम में। नेक्स्ट है हेयर इन द बटर, नेक्स्ट जो है वो ए हेयर इन द बटर, अब ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन से आप इसका करेक्ट आंसर ढूंढेंगे कब, जब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, एक हेयर इन द बटर, जैसे कि मक्खन में बाल ढूंढ गया, मतलब एक प्रकार से इसको याद रखने के तरीके ढूंढे, तो वो क्या हो जाएगा, एक आपको मुश्किल काम हो जाएगा, जैसे होता है ना रुई में सुई घूम गया तो अब उसको ढूंढे, तो ये क्या हो गया आपको मुश्किल काम, इसका मतलब क्या आपको निकल के आया, मुश्किल काम, अब आप ढूंढे मुश्किल काम का यहाँ पर मीनिंग कौन सा है, स्लिपरी रोड नहीं होगा, इजी टू हैंडल ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सिंकिंग इन डेप्ट, डेप्ट का मतलब होता है आपको कर्ज, इसे भी जरूर ध्यान में रखेंगे, कर्ज, तो कर्ज में डूबना यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फोर, ए चैलेंजिंग सिचुएशन, चैलेंजिंग यानी कि वैसी सिचुएशन जो कि आपको चुनौती दे, चुनौती कौन क्या दे सकता है, इजी वर्क तो देगा नहीं, डिफिकल्ट वर्क देगा, वही होगा आपको हेयर इन द। नेक्स्ट है टू बरी द हेटेज, ये idiom भी बहुत बार पूछा गया है, टू बरी द हेटेज, ओके, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए तभी आप इसका जो है वो, टू बरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बरी का मतलब होता है दफनाना या फिर बंद करना, खत्म करना, दफनाना या फिर खत्म करना, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं कुछ तो चीजें खत्म करी जा रही होंगी, तो क्या, लड़ाई खत्म करना, लड़ाई खत्म करना, दुश्मनी खत्म करना, उसके लिए यूज किया जाता है आपको, लड़ाई या फिर दुश्मनी दोनों का यूज कर सकते हैं आप, खत्म कर लेना, तो टू स्टॉप टॉकिंग समवन यह नहीं होगा, किसी से बातचीत बंद करना नहीं होगा, टू बरी ओल्ड थिंग्स यह भी नहीं होगा,
टू फाइट विथ समवन, लड़ना नहीं होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड टू इन ए क्वारल, यानी कि एक विवाद को या फिर लड़ाई को जो दो लोगों के बीच में हो या फिर दो गुटों के बीच में हो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना, टू बरी द हैटेज, इसे जरूर ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इजी मनी, ये भी काफी अच्छा जो अब की बार पूछा गया है, इजी मनी न्यू फ्रेज है, यानी कि एसएससी के लिए उतना ज्यादा बार नहीं पूछा गया है, इट मीन्स कि मेक मनी विदाउट मच इफर्ट मेबल एलिजिबल, ओके। इजी मनी यानी कि आसानी से, मैं यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ, आसानी से पैसा कमाना, उसके लिए यूज करते हैं आपको हम इजी मनी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा, मेक मनी है पैसे बनाना विदाउट मच इफर्ट्स, यानी कि बिना ज्यादा मेहनत किए हुए आपको पैसे कमाना कहलाता है मेक मनी, मेबल इलीगली, यानी कि अब रही बात कि बिना मेहनत के पैसे नहीं कमाया जा सकता है, तो और बिना मेहनत के पैसे कमाया जा रहा है यानी कि वह क्या है आपको गैर कानूनी, तो गैर कानूनी ढंग से बिना मेहनत के पैसे कमाना उसे कहा जाता है आपको इजी मनी, इस चीज को जरूर ध्यान में, काफी अच्छा देखने को मिला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिटी में कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, इट मींस कि ये भी काफी अच्छा एडियम है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, इट मींस कि किसी के साथ दोस्ती, जैसे कोई होता है मित्रवत हो जाता है, जल्दी से किसी से मिलता है तो उससे दोस्ती कर लेता है, और कोई होता है कि उसको क्या करता है इग्नोर करता है, जल्दी मित्रवत नहीं हो पाता है, जल्दी किसी से दोस्ती नहीं कर पाता है, उसको इग्नोर करता है, उसके लिए कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी से हमेशा के लिए दूरी बना के रखना, दूरी बनाना, ओके। अब दूरी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, कि किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं रखे, यानी कि किसी से दूरी बना के ही रखे, यहाँ से कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यानी कि थोड़ी सी दूरी बना के रखना किसी भी व्यक्ति से। नेक्स्ट इडियम है टू फाइट से साइयर, यह भी एक अच्छा और बढ़िया सा इडियम है, इसका भी सेम मीनिंग होता है, क्या होता है कि दूरी बनाना, दूरी बना के रखना या फिर किसी को इग्नोर करना, ये भी सेम मीनिंग होता है, सेम मीनिंग होता है, तो इसी प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, टू स्ट्रगल नहीं होगा, टू ओवरकम नहीं होगा, टू अट्रैक्ट विदाउट वार्निंग नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर, ट्राई टू अवॉइड समथिंग, यानी कि किसी चीज को अवॉइड करने की कोशिश करना, दूरी बनाना, इग्नोर करना, इसके लिए ही आपको इसका यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर फोर, टू फाइट शायर। नेक्स्ट इडियम है ए ग्रीन हॉर्न, ये काफी अच्छा इडियम आपको देखने को मिल रहा है, ए ग्रीन हॉर्न, ए ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन, अनुभवहीन, जिस व्यक्ति के पास अनुभव नहीं होता है उसे, उसके लिए इडियम के रूप में यूज करते हैं ए ग्रीन हॉर्न, अनुभवहीन यानी किसी के पास ज्यादा जानकारी नहीं है किसी चीज का, प्रोफिशिएंट तो इसका अपोजिट हो गया, प्रोफेशनल भी अपोजिट हो गया, एफिशिएंट भी अपोजिट हो गया, क्योंकि ये तीनों वर्ड मीनिंग एक दूसरे से नजदीकी रखते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर फोर इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड यहाँ पे इन लगा हुआ है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभववान, और इनएक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवहीन, तो इसका मीनिंग हो गया ग्रीन हॉर्न अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट आंसर है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स ऑप्शन तो दिए गए हैं लेकिन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, स्टिकी फिंगर्स एक वर्ड आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, उसे कहा जाता है आपको क्लेप्टोमनिया, मनिया एक बीमारी होता है और क्लेप्टो का मतलब होता है किसी व्यक्ति में चोरी करने की आदत पड़ जाती है, चोरी करने की आदत या फिर चोरी करने की बीमारी कह सकते हैं इसे हम, तो ये आदत बन जाती है किसी की, उसी चीज उसी प्रकार के लिए हम यूज करते हैं फ्रेज के रूप में स्टिकी फिंगर्स, वैसे हाथ जो हमेशा चोरी की तरफ पड़ते हैं, एन इंक्लिनेशन ऑफ स्टील, ओके, स्टील का मतलब चोरी करना, एन इंक्लिनेशन इट मीन्स की चोरी करने की
इच्छा रखना या फिर चोरी करने की आदत बन जाना, उसके लिए हम भी यूज करते हैं। तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे और वन वर्ड में इसे भी जरूर याद रखेंगे, क्लेप्टोमनिया। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, क्लेप्टोमनिया यानी कि चोरी चोरी करने की बीमारी। ओके, नेक्स्ट है प्ले विथ फायर। ये तो आपको इस वर्ड में ही आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए। प्ले विथ फायर यानी कि आग से खेलना, मतलब कि खतरा मोलना, सॉरी खतरा मोलना, वैसा काम करना जिसमें कि आपको खतरा हो जानबूझ के, उसे प्ले विथ फायर कहते हैं। जैसे हिंदी में बोला जाता है ना, ये आग से खेल रहा है, आग से खेलना मुहावरा हिंदी में हुआ, इंग्लिश में हुआ प्ले विथ फायर और मीनिंग हुआ इसका खतरा मोलना, वैसा काम करना जो खतरनाक हो। ऑप्शन नंबर थर्ड डायरेक्ट देखते हैं, टू डू समथिंग डेंजरस। डेंजरस का मतलब क्या हुआ, डेंजरस का मतलब हुआ आपको खतरनाक, तो कुछ ऐसा करना जो कि खतरनाक हो, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू होल्ड वाटर। ये भी काफी अच्छा एडियम है, बहुतों बार पूछा गया। यहाँ पे आप जितने सारे एडियम्स देखेंगे उसमें 90% या फिर 95% जो है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए हैं। ओके, टू होल्ड वाटर इट मीन्स की इसका मतलब होता है, टू होल्ड वाटर का मतलब होता है कोई चीज जो मान्य हो या फिर वैध हो। वैध का मतलब कि जो सही हो, इस तरीके से समझे कि जो सही हो, जो उसके लायक हो, किसी भी चीज के लायक हो, जो मानने के लायक हो, यानी कि इंग्लिश में इसे समझे तो एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल हो, उसे हम कहेंगे टू होल्ड वाटर। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका मीनिंग कौन सा अर्थ करता है। डायरेक्ट ऑप्शन थर्ड पे आते हैं, टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, जो कि वैध हो, जो मान्य हो, उसी को कहते हैं टू होल्ड वाटर। ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इडियम की तरफ पढ़ते हैं, ब्लो योर वन ट्रम्पेट, यानी कि जैसे कोई, बहुत सारे व्यक्ति आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो खुद की बड़ाई खुद से करते हैं। बड़ाई का मतलब खुद के बारे में बकबक बकबक करना, खुद के बारे में अपने को अच्छा जानने की कोशिश करना, उसे कहा जाता है। तो वैसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है फ्रेज का ब्लो योर वन ट्रम्पेट, इट मीन की बोस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटी, यानी कि कोई जो अपने खासियत के बारे में आप किसी से बेमतलब की बातें करना लगता है और खुद अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलने लगता है, तो उसके लिए यूज करते हैं ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, यानी कि खुद की बढ़ाई करना, खुद की क्वालिटी को गिनाना या फिर अपने बारे में बकबक बकबक करना, इसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली वेल। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए स्नेक इन द ग्रास। ये काफी प्रिविलेंट यानी कि प्रचलन में रहने वाला एरियम है और ये बहुत सालों से पूछा जा रहा है, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है आपको आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप इसे कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जैसे कि आपके साथ फ्रेंडली रह रहा हो लेकिन उसके मन में आपके प्रति छल कपट हो, तो उसे कहते हैं आस्तीन का सांप, यानी कि वो आपके साथ कभी भी धोखा कर सकता है, गलत कर सकता है, स्नेक इन ग्रास। तो यहाँ से आपके हिडन एनिमी, वैसा आपका दुश्मन जो कि आपके साथ हो लेकिन आपको पता ना हो, छुपा हुआ हो आपको पता ना हो, उसी को कहते हैं आपको स्नेक इन ग्रास, ए हिडन एनिमी। अब नेक्स्ट इडियम है सेलिंग, सॉरी स्मूथ सेलिंग। अब इसका जो है वो करेक्ट आंसर बताना है। स्मूथ का मतलब क्या होता है, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, यानी कि अच्छे से, तो कोई कार्य जो अच्छे से होने वाले कार्य के लिए यूज करते हैं, अच्छे से होने वाला कार्य। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है आज, तो इसे ध्यान में रखेंगे, अच्छे से होने वाले कार्य के लिए यूज करते हैं, तो इजी प्रोग्रेस, आसानी से जो हो जाए कोई कार्य अच्छे से या फिर आसानी से, ये काफी अच्छा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं ऑन पर्पस। ये तो आप लोग जरूर न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते होंगे तो इसको आपको देखने को मिलता होगा। ऑन पर्पस, पर्पस का मतलब होता है कोई खास बात, यानी कि कोई खास उद्देश्य होता है, तो कोई खास उद्देश्य से जब कोई कार्य करता है तो उसे जो है वो क्या करता है, जान बूझ कर करता है, अनजाने में नहीं, जान बूझ कर, तो जान बूझ कर के किए गए
कार्य को ऑन पर्पस कहते हैं फ्रेज के रूप में, लेकिन जब इसको हम वर्ड मीनिंग के तौर पे देखेंगे तो इंटेंशनली, यानी कि इसका मतलब होता है आपको जानबूझकर कोई कार्य करना है, जानबूझकर, इसे ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है इंटेंशनली। ओके सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एडियम की तरफ। नेक्स्ट है आपको हिट लाइक ए हॉर्स, हिट लाइक ए हॉर्स यानी कि घोड़े की तरह खाना, यानी कि बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा खाना इसका मतलब हुआ, बहुत ज्यादा खाना हुआ, व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है तो उसके लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स के तौर पे हिट लाइक ए हॉर्स। अब यहाँ पर ऑप्शन से ग्रुप पास करते हैं, हार्डली ईटिंग नहीं होगा, ईटिंग डिफरेंटली नहीं होगा, ईटिंग वाट हॉर्सेसली नहीं होगा। नंबर सेकंड एक्सेसिवली, यहाँ पे वर्ड मीनिंग के तौर पे देख सकते हैं, यानी कि ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है एक्सेसिवली का, यानी कि ज्यादा मात्रा में, और ईटिंग का मतलब खाना, तो ज्यादा मात्रा कहलाता है ईट लाइक ए हॉर्स। ये भी काफी अच्छा फ्रेज देखने को मिला है। पे हीड टू, ये भी काफी अच्छा है और इम्पोर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम के पर्पज से। पे हीड टू का मतलब होता है ध्यान पूर्वक किसी की बातों को सुनना, ध्यान पूर्वक किसी की बातों को सुनना, ध्यान लगा करके, पे हीड टू, या फिर एक इसके लिए और आता है पे अटेंशन टू, पे टेंशन, तो अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना होता है। आप यहाँ पे देखेंगे यदि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिसन केयरफुली विथ अटेंशन, किसी की बातों को सुनना विथ अटेंशन ध्यान पूर्वक से, और या फिर केयरफुली यानी कि चौकस होकर के, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा, इसमें यही पे करेक्ट आंसर मिल जाएगा, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट एडियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको बैक आउट, ये भी काफी अच्छा है। बैक आउट का मतलब होता है छोड़ देना या फिर लौट जाना, लौट जाना, या फिर किसी को छोड़ देना, छोड़ देने के लिए हम आपको इसका यूज करते हैं बैक आउट का। तो यानी फेंकना होता है, एक्सप्लोड नहीं होगा, इंक्वायर नहीं होगा, क्या हुआ, विड्रॉ, टू विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज को छोड़ देना, अब उससे मुंह मोड़ लेना, आगे की तरफ बढ़ जाना, उसके लिए यूज करते हैं आपका नंबर सेकंड के लिए, सेकंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बैक आउट का। नेक्स्ट हैव ए चेंज ऑफ हार्ट, ये भी बहुत अच्छा आपको यहाँ पे एडियम देखने को मिला है। तो हैव ए चेंज ऑफ हार्ट यानी कि अपना हृदय परिवर्तन, हिंदी में फ्रेंच के तौर पर यूज किया जाता है, तो उसे कहा जाता है हृदय परिवर्तन। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ जैसे कि कोई व्यक्ति अपना जो है ओपिनियन चेंज कर लेता है, अपना जो है वो किसी के प्रति सोचने की प्रवृत्ति को चेंज कर लेता है, उसे कहते हैं हैव ए चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि अपनी ओपिनियन को चेंज कर लेना, मतलब नंबर सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, चेंज वंस ओपिनियन। ओके अपना विचार जो है वो चेंज कर लेना, विचार बदल लेना इसका मतलब होता है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हिट ए ब्रिक वॉल, हिट ए ब्रिक वॉल, ब्रिक का मतलब होता है ईंट या फिर कठोर के तौर पर यूज किया जाता है, ब्रिक वॉल, तो वैसे कठोर दीवार को हिट करना, मतलब एक प्रकार से मीनिंग हुआ, लेकिन इसका वास्तविक वर्ड मीनिंग क्या होगा, वास्तविक मीनिंग क्या होगा, यानी कि प्रोसेस को रोक देना, कोई कार्य हो रहा हो, कार्यविधि वह रुक जाती हो, मंद पड़ जाती हो, कार्यविधि का रुक जाना कहलाता है आपको हिट ए ब्रिक वॉल, नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, अब आगे बढ़ने की परिस्थिति में ना होना, तो ऑप्शन फोर जो है उसका करेक्ट। अब नेक्स्ट जो है टू सीट ऑन द फेंस, ये कई बार आपको पूछा गया है एसएससी में, ओके टू टेक ऑन द फेंस, इसको तो आपको देखते हुए ही करेक्ट आंसर ढूंढ लेना चाहिए कि अवॉइड टेकिंग साइड्स, किसी के प्रति जो है वो किसी की साइड्स लेने से इनकार करना, अवॉइड करना, दूरी बनाना, उसके लिए यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर फोर। और ये जो है वो आपको 21 तारीख के लास्ट शिफ्ट का एडियम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कैट्स पॉ, कैट्स पॉ मतलब होता है किसी का खिलौना बन जाना, किसी के हाथों इस्तेमाल होना, जैसे हिंदी में यूज किया जाता है कि
किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, यानी कि किसी के हाथों इस्तेमाल होना या फिर खिलौना बन जाना, किसी के लिए खिलौना बन जाना, उसे कहते हैं हमको कैट स्पॉट। आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ए पर्सन यूज्ड एज ए टूल बाय अनदर, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टूल की तरह यूज करता है, ठीक, तो उसके लिए कैट स्पॉट का और जो है वो उसको यूज करते हैं। SSC CGL में पूछा हुआ लास्ट idiom आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इन द लाइमलाइट। इट मीन्स कि इन द लाइमलाइट का मतलब होता है केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु होना, केंद्र बिंदु होना किस चीज का, तो अट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एक ऐसी चीज हो जिसको कि सभी सभी व्यक्ति इसी को देख रहे हो, ये क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु हुआ, ओके, सभी लोग जिस चीज को देख रहे हैं, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे टोटल इडियम खत्म होता है, और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस फॉर्मेट में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूटोरियल वोकैब्स फॉर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं ट्यूटोरियल वोकैब्स फॉर, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे कंपाइल करके और सारे जितने जो टॉपिक बन रहे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सारे मैं ग्रामेटिकल एरर्स करा चुका हूँ, सब कुछ यहाँ पे मैं करा दूंगा, जो कि आपके नेक्स्ट पेपर के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।